जिला सीतामढ़ी प्रखंड बथनाहा ग्राम पंचायत बथनाहा पूर्वी। जैसे कि अभी देख रहे हैं, हम अभी खड़े हैं अनुसूचित बस्ती में। यह बस्ती लगभग 60-70 घरों की ये बस्ती है और मेरे साथ अभी कुछ बच्चे हैं और आइए इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के वजह से क्या समस्या आई है, क्या विद्यालय से इनको कुछ लाभ मिल पाया है या नहीं। हम इन बच्चे से और इनके गार्जियन से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, मध्यान्ह भोजन वाला राशन होता है, वो मिला है? नहीं। कब से नहीं मिल रहा बेटा, कब से नहीं मिल रहा है? साल भर से। साल भर से जी। पहले कभी मिला था? एक बार। हाँ, एक बार मिला। मिला था जी। तो ये बीच में नहीं मिला है, इसके लिए कभी पूछने गया था मैडम जी से, मैडम जी कहिया मिलेगा? नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जैसे कितने बच्चा इसमें पढ़ता है, इस मोहल्ला से? किस विद्यालय में पढ़ते हो? बथनाहा माधव विद्यालय। क्या नाम है? मुन्ना कुमार। ये समस्या है कि जो बाल बच्चा सब उनके स्कूल के विद्यार्थी है, ओकरा राशन पानी न दे छै, पढ़ाई लिखाई सब बंद है। कौन स्कूल में पढ़े छै? पोखरी पर के स्कूल में। पोखरी पर सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। कै गो बुआ पढ़े? दूगो। दूगो। डेढ़ साल हो गए लॉकडाउन लगला, बीच में मतलब कितना बार मिल रखा है बुआ के? एक बार न, साल भर पहले एक बार मिला। साल भर पहले एक बार मिलल। अच्छा, न राशन मिले से अपने के की मतलब की परेशानी बुझाई है? ये परेशानी बुझाई है कि दैत रहलक है तो किस सहयोग बुझाइत रहलक है, अब न दिए तब की चाहे छी? अपने चाहे छी अपने की जे दे ओय में कुछ राशन दे दे, सहयोग होय आ बाल बच्चा तनका स्कूल खुले तो पढ़े लिखे, एने ओने बौआई है धनाई है दहार बुनी के टाइम है। अच्छा, जब से लॉकडाउन लगा है तब से कितने बार मिला है चावल? एक बार। कहिया? पर साल। पर साल। अब तब से नहीं मिला है? नहीं मिला है। ओ, तुम क्या चाहता है? चावल। चावल। अब पढ़ना नहीं चाहता है? चाहते हैं। इनकी समस्या ये है कि यहाँ की लगभग 50 बच्चे को आज से एक साल पहले मध्यान्ह भोजन का राशन मिला था, तब से आज तक नहीं मिला है, जिस कारण इन लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर हमने भी इन लोगों के साथ स्क्रीनिंग की और मध्यान्ह भोजन प्रभारी से बात किया। उन्होंने बताया है कि जल्द ही इस पर जांच करके इन लोगों का राशन दिया जाएगा। हम इसी तरह के समस्या वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी बिहार से।